टाइगर श्रॉफ, कृति सैनन और अमिताभ बच्चन की फिल्म गणपत और दिव्या खोसला कुमार की फिल्म यारिया 2 दोनों का ही पहले दिन हाल बेहाल है। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा रा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। अभिनेता टाइगर श्रॉफ, कृति सैनन और अमिताभ बच्चन की फिल्म गणपत दर्शकों की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है और पहले दिन का कलेक्शन इस बात को साफ दिखा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिव्या खोसला कुमार, यशदास गुप्ता, पल्लवी पुरी और मिजान जाफरी की यारिया 2 का भी हाल बेहाल दिख रहा है। रिपोर्ट्स में आपको बताते हैं कि फिल्मों की पहले दिन की कितनी कलेक्शन है। गणपत को एक और जहां सोशल मीडिया पर ठीक ठाक से भी हल्का रिस्पॉन्स मिला है, तो वही क्रिटिक्स की कोई फिल्म इम्प्रेस नहीं कर पाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गणपत ने पहले दिन सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है और उम्मीद नहीं है कि फिल्म कलेक्शन से अपना बजट भी निकाल पाएगी। वहीं हम दूसरी ओर बात करें जहां गणपत को बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है, तो दूसरी ओर यारिया 2 का भी हाल बेहाल दिख रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 60 लाख का कलेक्शन किया है, जो काफी कम है, और फिल्म का बजट करीब 50 करोड़ रुपए है और फिर भी कमाई से अपना बजट निकालने से सक्सेसफुल नहीं दिख रहा है। गौरतलब ये है कि 20 अक्टूबर को जहां गणपत और यारिया 2 रिलीज हुई, तो वहीं उसके एक दिन पहले 19 अक्टूबर को थिएटर्स में थलापति विजय की फिल्म लियो रिलीज हुई। फिल्म को घरेलू और वर्ल्ड वाइड तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने 2 दिन में ही घरेलू करीब 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही फिल्म ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड करीब 150 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। वहीं दर्शकों के पास थिएटर्स में फुकरे 3, मिशन रानीगंज और जवान का भी ऑप्शन मौजूद है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।